हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है। ऊपर से हम कपड़े पे आधा इंच का निशान लगा के और इसको कट कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। और इंची टेप को हम एक इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम अपना निशान लगा लेंगे और 3 इंच हम नीचे फोल्डिंग के लिए लगा लेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच हमने बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ दिया है। 10 इंच यहाँ निशान लगाएंगे और ऐसे यहाँ लगाते हुए 9.5 इंच का हम तीर अपना आसन लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हैवी साइज के लिए हम 2.5 से 3 और इसकी हम गोलाई कर लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया आसन का उसका हम हाफ कर लेंगे, 6.5 इंच। 11.5 है तो हम उसका 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको हम सीधी लाइन यहाँ बीच में सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ हम इसमें प्लेट डाल लेंगे। अब हम नीचे अपनी मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमने 8 इंच रखनी है तो हम इस पे 4 इधर करके और 4 उधर करके हम निशान लगा देंगे और सेफ पट्टी से हम इसमें फिटिंग का निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से थोड़ा सा तिरछा निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम आसन की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट को बिछा के और इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए पहले हम इसमें 6.5 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने से हमारी पैंट घूमती नहीं है तो इसको अच्छे से कर लेंगे। अब हम इस साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस साइड से हमारी सेम कटिंग होगी, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी, इसलिए हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट पे भी निशान लगाएंगे, बैक पार्ट पे। इसलिए हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ, 2.5 से 3 इंच तक हम बैक पार्ट को ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा लेंगे और सेफ फट्टी को रखते हुए हम इसमें निशान लगा लेंगे। जो हमारा हिप साइड है उस तरफ हमारा 2.5 इंच ज़्यादा रहेगा और हमारा जो 1.5 इंच निशान लगाते हुए 1.5 इंच यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसकी गोलाई करके सेफ फट्टी से इस पर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए सेफ पट्टी से हम इस पर भी निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम इसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देंगे ताकि कल को हमें खोलनी पड़े तो हम खोल सकते हैं अपने पैंट को। और इसकी कटिंग कर यहाँ इस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अभी हम इस पर जेब का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच का हम गैप छोड़ के ये हम जेब लगाएंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। हम इसके नीचे की तरफ से और 5 इंच ऊपर की तरफ से निशान लगाते हुए और 14 इंच की इसकी लंबाई और इनको मिला लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा गोलाई करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी जेब की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। 4 इंच की हम बेल्ट चौड़ाई हम बेल्ट की लेंगे और लंबाई हम अपनी पैंट के अनुसार लेंगे। जो भी हमारा बैक पार्ट का वो हिस्सा है उतनी हम चौड़ाई इसकी बेल्ट लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम इसके आसन को जोड़ देंगे।
जहाँ से हम सिलाई कर शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से इसको पक्का कर लेंगे। दोनों आसन फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के आसन जॉइंट हो गए। ये हम जेब पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागों को कट कर लेंगे। ये हमारा आसन जुड़ गया है। अब हम इस जो हमने सिलाई लगाई थी जेब पे उसको हम उल्टा कर लेंगे और इस पर एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम इसको फ्रंट पार्ट पे इस पर लगा लेंगे जो हमने कट लगाया था। पॉकेट हम राइट साइड में लगाते हैं। जो हमने कट लगाया था उसके बीच में हम पहले इसमें सिलाई लगा देंगे। और इसको जहाँ तक सिलाई लगाई वहाँ तक इसकी कटिंग करके और इस पे ऐसे उंगली से निशान लगाते हुए अब हम इसको दूसरी तरफ पलट के और इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम एक पंजी की जगह छोड़ के और इस पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारी से सिलाई नहीं लगानी है। ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसको अच्छे से पकड़ते हुए एक सार पकड़ते हुए इस पे यहाँ सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी ये जेब इधर उधर ना होए। अब हम यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे इस पे। और इसी को अच्छे से करते हुए एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे। ये हमारी पॉकेट लग गई है। अब हम साइड की मशीन लगाएंगे इन पे। मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों लेके और इसमें सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे। इसमें हमने जो हमारी पॉकेट लगाई थी उस कपड़े को हम ऐसे इसको ऐसे खींचते हुए और इसकी यहाँ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई ऐसे लगाएंगे ताकि हमारी किनारी के पास जो हमने पॉकेट लगाई उसके बिल्कुल पास से सिलाई आए। और ये यहाँ भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ये हमारी दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब हम इसमें बेल्ट जो हमारी प्लेट है वे डाल लेंगे ऐसे पकड़ते हुए आधा इंच छोड़ के हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे दोनों साइड में। ये हमारी प्लेट डल गई है। अब हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जो हमने कट लगाए थे वहीं से हमने फोल्ड करना है। ऐसे दूसरी तरफ फोल्ड करके और हम अभी इस पे नीचे की सिलाई लगाएंगे। जितनी हमने मोरी रखनी उतना निशान लगा के सिलाई लगा देंगे।
हमारे निशान उससे पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। मोरी रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है, मैंने इंटरलॉक भी कर दी इस पर। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हम अपने दोनों फ्रंट पार्ट को पकड़ते हुए और इसमें ऐसे जो हमारी सिलाई है वहाँ तक इसमें निशान लगा लेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट पे करेंगे, बैक पार्ट को पकड़ते हुए और इस पर यहाँ चाक से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। फ्रंट ये हमारी बैक पार्ट की है और ये हमारी फ्रंट पार्ट की बेल्ट है। और ये मैंने इस पर बेल्ट जो हमारी पैंट की पट्टी होती है वो चिपका ली है और इस पर ऐसे कर दोनों को पकड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ दोनों को सेम करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये इस पे पैंट पे अटैच करेंगे जो हमारी सिलाई है और पैंट की सिलाई है। पैंट को हम उल्टा रखेंगे और बेल्ट को भी हम उल्टा रखेंगे और जो हमारी सिलाई थी इसको हम बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पे चारों तरफ से इसको सील लेंगे। ऐसे ही बैक पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई हो गई है पूरी। अब हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। लास्टिक हम जितनी हमारी बैक पार्ट उतना ही हम लास्टिक कट करके और इसमें लगाएंगे। बैक पार्ट का जैसे एक पार्ट होता है उतनी इलास्टिक लेनी है हमें। इसको ऐसे रखते हुए और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे, इसको ऐसे पकड़ पहले हमने देख लेना कि कहीं हमारी इलास्टिक गलत तरीके से अटैच ना हो जाए। इसको ऐसे फोल्ड करके हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम बेल्ट पे सिलाई लगा देंगे। हम अपनी पार्ट की बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम लास्टिक की बिल्कुल किनारी से इस पर सिलाई लगाएंगे। हमारी लास्टिक दबनी नीचे है और इसको ऐसे खींचते हुए पूरे में इसको सिलाई लगा देंगे। धीरे धीरे करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक दबे ना। ये हमारी इलास्टिक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम बेल्ट की किनारी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट के इसको अच्छे से सारे में बराबर फैला लेंगे इलास्टिक को और इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो पलटे ना, इकट्ठी ना हो। इसको ऐसे खींच के और इसमें बीच में हम सिलाई लगा देंगे।
ये हमारी सिलाई लग गई है और हमारी पैंट भी कंप्लीट हो गई है। हमारी पैंट सिल के कंप्लीट हो गई है। ये हमारी पॉकेट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।